Good morning, students. I am B.K. Singh from Science Faculty, SJS Motihari. In this class, I will describe the first chapter of chemistry for class 10th, chemical reaction and equation. Chemical reaction or equation. Chemical reaction when two or more than two substance reacts to form a single substance, or a single substance split to form many substances is known as chemical reaction. And when a chemical reaction is expressed in term of symbol and equation formula, then it is known as chemical equation. यानी जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज ए केमिकल इक्वेशन. बट व्हेन वी राइट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. It is the chemical reaction. When magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide, यानी जब इसको वर्ड में जब लिखा जाए बोला जाए तो इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं. और केमिकल रिएक्शन को जब सिंबल और फॉर्मूला के रूप में अगर डिनोट किया जाए तब इसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं. तो इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है पहले कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाए. अब लिखते हैं मैग्नीशियम तो Mg लिखे हैं, और ऑक्सीजन लिखे हैं तो O2 लिखे हैं, या Mg क्यों लिखे हैं O2 क्यों लिखे हैं, यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिख दिए. मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg और O, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं लिखे. तो मूल उद्देश्य है इसका कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखने आना चाहिए इक्वेशन, और उसको बैलेंस कैसे करेंगे. बैलेंस करना होगा दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स करना चाहिए. अभी अनबैलेंस इक्वेशन आपके सामने है तो कैसे बैलेंस किया जाए. बैलेंस करना इसलिए कभी कभी क्वेश्चन एराइज होता है. व्हाई इट इज एसेंशियल टू बैलेंस. इन क्लास 9 यू हैव लर्न्ड अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. सो टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज एसेंशियल टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखकर किया जाता है कि न क्रिएट होगा न डिस्ट्रॉय होगा, तो दोनों तो इक्वल होगा, बराबर होगा, इसलिए उसको बैलेंस करना जरूरी होता है. अब ये स्टूडेंट के मन में ये टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसका हमको टाइप पढ़ना है किस तरह से होता है, बहुत आसान है, वो डिफिनेशन रटी है उसको लिख देते हैं, यही ना काम करते हैं आप लोग. लेकिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ होता है, अब यह जिस स्टूडेंट को लिखने में ये नहीं समझ में आए कि मैं Mg क्यों लिखे, O2 क्यों लिखे, MgO क्यों लिखे, जब यह समझ में आ जाएगा तो केमिकल इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगा. जैसे अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लिखे हैं, अगर आपसे पूछा जाए एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखो तब Al2O3, बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड तो Na2O, बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड
सीईओ, अब यहीं पर दिमाग काम नहीं करेगा आप लोगों का, कहते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो Al2O3 लिख दिए, सोडियम ऑक्साइड तो Na2O लिख दिए, कैल्शियम ऑक्साइड CO, कहीं यहां 2 लिखते हैं, कहीं 3 लिखते हैं, कहीं कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो यह जानना अगर यह अगर आ जाए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट रटने लगते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड CO, कैल्शियम ऑक्साइड, कितना रटिएगा, एक दो तो है नहीं, बहुत संख्या में है। तो अगर यह तरीका आपको मालूम हो जाए कि पहले इसको कैसे लिखें, तो ऐसा ही ना चीज केमिकल इक्वेशन में आएगा। तो सबसे पहले जरूरी है आपको यह लिखना। अब इसको जानने के लिए नाइन्थ में भी पढ़े थे, लेकिन ध्यान में आप लोग नहीं उसको रखते हैं, किताब में तो सब रहता है, लेकिन कैसे याद करना है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी पहले भी पढ़े होंगे, मतलब ये कितना होता है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है, +3। किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन 2 ग्रुप से होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। तो फर्स्ट में पॉजिटिव आयन लिखते हैं, बाद में नेगेटिव, जितना मेटल्स होते हैं ना सब पॉजिटिव आयन बनाएंगे, नॉन मेटल मोस्टली सब क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन। तो केमिकल रिएक्शन में, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में वैलेंसी का बहुत अधिक काम होता है, योगदान होता है। वैलेंसी अगर स्टूडेंट को याद हो जाए तब जाकर उसके फॉर्मूला को लिखते हैं, और जो फॉर्मूला लिखने आ जाएगा तो केमिकल रिएक्शन में कोई टेंशन नहीं। केमिकल रिएक्शन जब लिखने आ जाएगा तो उसके इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन बनाएंगे तो बैलेंस करने का तरीका सिखाएंगे। तो ये स्टेप वाइज होता है, पहले यह जानना होगा तब यह आएगा, ऐसे नहीं आ सकता, स्टेप वाइज। तो एल्यूमिनियम आयनिक कंपाउंड है, एल्यूमिनियम +3 चार्ज, ऑक्साइड पर -2 चार्ज होता है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है, कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है। तो जिस पर जितना चार्ज होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा, जितना इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता होगा, दिया तो पॉजिटिव, ले लिए तो क्या होता है, नेगेटिव। तो यह अगर दिमाग में आ जाए तो वही उसकी वैलेंसी के नाम से भी जानी जाती है। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना बोलेंगे, 3। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना, 2। ना माइनस प्लस नहीं बोला जाता है, लिखने के लिए लिखते हैं कि पॉजिटिव आयन है तो प्लस में, नेगेटिव आयन है तो माइनस में रहता है। तो ये वैलेंसी अगर याद रहेगा तो फॉर्मूला लिखते समय एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बगल में लिख देते हैं, वो पहले पॉजिटिव आयन है तो नेगेटिव आयन, और इसके वैलेंसी को इसके नीचे तो यहाँ 2 लिखना है, इसके वैलेंसी को इसके नीचे यहाँ 3 लिखना है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, नहीं बन गया, तो लिखने में ही ध्यान देना है, वैलेंसी का इंटरचेंजिंग करना है, बदला बदली करना है, दोनों का वैलेंसी इक्वल हो चाहे 1 हो तो उसके नीचे कोई नहीं लिखा जाता है। जैसे इक्वल होने का मतलब, 1 होने का मतलब, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम में +2 बताए हैं ना, तो कैल्शियम +2 ऑक्साइड पर -2, दोनों इक्वल है कि नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा CaO, तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना है सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम पर +1 ऑक्साइड पर -2, और इसका 2 तो यहां पर 2 लिखाएगा, Na2 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 तो ऑक्सीजन अकेले है, Na2O बन जाए। तो सबसे पहले यहां जरूरी क्या है कि स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि किस पर कितना प्लस होता है, कितना माइनस होता है, बाकी तो बदला बदली करके लिख देते हैं। कहीं कहीं लिखने में ही ध्यान देना है कि वैलेंसी का इंटरचेंज करना है, इक्वल होगा तो उसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, 1 होगा तो नहीं लिखना है। किस कोई कोई ऐसा भी आपको हम आयंस बताएंगे जो मोर देन 2 और मोर देन 2 एटम से मिलने से बना है, तो ऐसे ज्यादा एटम आयन में होगा उसके नीचे कोई डिजिट लिखना होगा तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, डिजिट लिखना होगा, तो नहीं लिखना होगा तो कोई टेंशन नहीं। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट लिखना होगा, कैल्शियम फॉस्फेट, तो कैल्शियम पर +2 चार्ज, अब फॉस्फेट पर क्या होता है, -3 चार्ज, तो जब बदला बदली करेंगे तो Ca3 है तो 3 लिखा जाएगा, अब PO4 यहाँ 2 है और 2 यहाँ लिखना होगा तो 2 तो लिखेंगे नहीं, एक से ज्यादा है तो ब्रैकेट घेर देंगे तब तो नीचे 2 लिखेंगे तब तो बन जाएगा कैल्शियम। तो मेन काम है पहले यही याद रखना कि किस पर कितना प्लस होता है, किस पर कितना माइनस होता है। वैलेंसी तो सब कोई याद करते हैं, सब कोई रटते हैं, किताब में भी दिया हो रहता है, लेकिन यहाँ आपको हम ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन याद कर लो, तब वास्तव में यहां से हम लोग अपने टॉपिक से अलग हो गए। हमको पढ़ना था
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लेकिन मजबूरी है, यह तभी समझ में आएगा जब स्टूडेंट को पहले यह लिखने आएगा, इसके बाद ये सीट का नाम बताएंगे, कुछ कंपाउंड का नाम बताएंगे, तब जाकर ये रिएक्शन तब आएगा, तो आपकी कोई गलत भी लिखेगा तब उसको काट सकते हैं कि नहीं यह नहीं होगा, यह हो सकता है। तो सबसे पहले यही तरीका आपको सिखाएंगे कि पहले वैलेंसी कैसे याद करते हैं, कैसे लिखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वैलेंसी को हम याद करें। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव आयन, देन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, तब जाकर वैलेंसी क्लियर हो सकता है। सम इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आयन्स एंड वैलेंसी, पॉजिटिव आयन और उसके वैलेंसी के बारे में यहां पर अरेंज करके ट्रिक के अनुसार हम बताएंगे कि आपको एक बार अगर ध्यान से देखिए याद हो जाएगा तो नहीं भूल सकते हैं आप, तो जो रिएक्शन लिखने में हेल्प करेगा आपका, पॉजिटिव आयन आयंस वैलेंसी पॉजिटिव है। एलिमेंट का सबसे पहले तो अच्छी उतना बैक में नहीं जा रहा है, बैक में तो आपको लोगों एट क्लास से सिंबल याद कराया जा रहा है, सिंबल सिंबल में जो पोटेशियम तक के, सोडियम तक एन ए, कैल्शियम सी एम, ये सब याद है ना, तो यहाँ याद है तो उसको उसको दिमाग में रखो, उसके आगे का स्टेप यह नाम लिखते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि हम कौन एलिमेंट लिख रहे हैं, तो आपको याद रखना, बहुत पहले से सिंबल याद रखना होगा। जैसे देखिए यह कौन एलिमेंट लिखे हैं, बोलो तुम बोलो, सिल्वर, एजी किसका सिंबल है, सिल्वर, तो सिल्वर, एन ए सोडियम लिखते याद रहना चाहिए कि हम सोडियम लिख दिए, यहां पर सोडियम नहीं लिख रहे, एन ए सोडियम, के क्या हो गया यह पोटेशियम, एच ये क्या हो गया हाइड्रोजन, इस सब को एक साथ अरेंज किए हैं, सब पर प्लस वन चार्ज होता है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इसलिए वैलेंसी क्या बोलेंगे वन, पॉजिटिव आयन इसका मतलब वैलेंसी कितना हो गया वन, सब पर प्लस वन, तो प्लस नहीं लिखा है नंबर लिख दिया जाता है इसका नाम, सी ए कैल्शियम एस्टोनसियम और बेरियम, इस तरह प्लस टू चार्ज होता है, प्लस टू वैलेंसी कितनी हो जाएगी टू, सीओ कोबाल्ट, एनआई निकेल, मैंगनीज, जिंक, प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू टू, एफी सी आर ए एल, आयरन फेरम भी कहते हैं, आयरन, क्रोमियम, एल्युमिनियम, प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री वैलेंसी थ्री, एस बी ए एस प्लस थ्री प्लस थ्री वैलेंसी थ्री। अभी और लिखाएंगे, पहले इतना स्टेप देखिए, लगभग 16 एलिमेंट लिख चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया, इतना लिखा हुआ है, तो ऐसे तो कई के साथ तो बहुत जगह मिला है, बहुत बुक में ऐसे मिला रहता है, हम इसको इसलिए अरेंज किए हैं कि यहाँ 2 अलग छोड़ दिए, इसको यहाँ पर छोड़ दिए, इसका अलग इसका अलग, क्यों किए, इसको ट्रिक वाइज आपको बताएंगे कि भूलिएगा नहीं, याद कीजिएगा। अब देखो
जैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है जिसको कहते हैं, उसके आधार पर हम सेट किए हैं आपको। सब अधिकांश लोकल स्टूडेंट ही हैं, भोजपुरी भी जानते होंगे आप लोग, तो उसी पर इसके आधार पर बता रहे हैं कि उसका नाम देखो हम बोलेंगे और उस तरह सेट करेंगे, देखो कैसे याद हो जाएगा आपसे। जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम बोलेंगे बा लिखो, बा क्या बोले हैं, बा बी ए बा लिखे, कहीं इंग्लिश में लिखिए। जब भी लिखने पर एक ध्यान देना है कि पहले कैपिटल लेटर और बाद में लिखना है स्मॉल लेटर। तो बा लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले बी और लिखेंगे ए, तो बा लिखे, लिखे हैं बा, लेकिन जैसे बी ए लिखा है आपके दिमाग आ जाना चाहिए तो बेरियम लिखा गया, बी ए बेरियम का सिंबल होता ही नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया यह बेरियम आ गया। तो हम बोलेंगे बा, लेकिन दिमाग आना चाहिए क्या लिखे हैं, वह बेरियम लिखे, तो यह बेरियम हो गया। उसी तरह से आपका इसका उच्चारण हम यहाँ पर बोलते हैं। देखो कहानी जैसे कैसे सेट किए हैं, जैसे आप लोग सब क्लास में बैठे हुए हैं, आपस में बात करने लगते हैं, सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो डिस्टर्ब होगा तो सर डांटेंगे ना, क्या क्या कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, जो बात कर रहा है हमसे बोलो, बात करते हैं तो हमसे बोलिए, कुछ बात करिए, हम क्या बोलेंगे, किस तरह बोलते हैं, देखिए हम आपसे बोलेंगे भोजपुरी में, ए जी एने कह, बोलते एने मैंने एने मुझसे, हमसे कहो ए जी एने कह, ऐसे बोलेंगे ए जी एने कह, लेकिन खेल खेल में आपको चार का बैलेंस याद हो जाएगा, ए जी एने कह, देखो ऊपर देखो तो ए जी एने कह, ए जी एने कह, बैलेंस कितना हो गया, वन हो गया, ऐसे इसको याद करेंगे। देखो लिख देते हैं, अब परीक्षा में लिख दीजिएगा ए जी एने कह, आपके दिमाग में रखिएगा ये बैलेंस से आपको मतलब है, फॉर्मूला लिखने में हेल्प करेगा। तो इसका नाम उच्चारण लिखते हैं, देखो ए जी ए जी, तो लिखेंगे ए जी, पढ़ेंगे ए जी, समझ जाए सिल्वर हो गया, एन ए एन ए ए जी एन ए को ए जी एन ए को आ गया, देखिए तो ए जी क्या समझेंगे, सिल्वर, एन ए क्या समझेंगे, सोडियम, को क्या लिखेंगे, को के पोटेशियम, अहो हमने हाइड्रोजन, तो एजीएनए का वैलेंसी वन होता है, एक के बारे में चार बजे नहीं हमें अलग अलग नहीं रखना पड़ेगा कि सिल्वर का वन, सिल्वर का वन, पोटेशियम का वन, पोटेशियम का, ऐसा नहीं करना होगा। एक बार दिमाग बैठो एजीएनए का दिमाग में आ जाएगा, ए जी सिल्वर, एन ए सोडियम, को पोटेशियम, हो हाइड्रोजन, एजीएनए का एक के बारे में चारों का याद हो गया, कितना का वैलेंसी वन, तो एजीएनए का वन। जब हम बोलेंगे ए जी एने कहा तो आप लोग भी कुछ बोलिएगा ना, हम कहेंगे ए जी एने कहा, आप लोग बात कर रहे थे, हम बोले ए जी एने कहा, हमसे कहो तो आप खड़ा होकर कोई स्टूडेंट बोलता है, क्या बोलता है, कुछ पेन ऑन नहीं होगा, उसको घट गया होगा पेन ऑन, हम तो बोल रहे हैं का सरबा, हम कहे ए जी एने कहा, उसने क्या कहा, का सरबा, वो कहा का सरबा, लैंग्वेज पूछा का सरबा कुछ ही है, अब तो हम लोग वैलेंसी दूसरे तब तक सामने हाजिर है, हम बोलेंगे ए जी एने कहा, उसने कहा का सरबा, देखिए तो चार गया हो गया कि नहीं हो गया, का सी से को होता है तो का सर, सर लिखेंगे तो एस आर सर, एस आर खाली का सर बा, तो का सर बा वैलेंसी टू हो गया कि नहीं हो गया, तो एजीएन का कहा कि वैलेंसी वन, का सर बा की वैलेंसी कितना हो गई टू, तो जब पूछेगा का सर बा तो हम ही बताएंगे ना, हाँ मेरे पास है, मेरे पास, जैसे मान लेंगे मेरे पास एक मंजन है, उस मंजन का नाम रख देते डाबर का लाल दंत मंजन, तो डाबर कंपनी केस कर देता, मेरा कंपनी बैठ जाता, क्योंकि पहले से वो है, हमको बदलना पड़ेगा ना, तो हमारा मंजन है, दांत नहीं साफ होगा, दिमाग साफ हो जाएगा आप लोगों का, है ना, दिमाग किस सेंस में, वैलेंसी याद कराने में, जो नहीं याद है वो साफ करके वैलेंसी याद कराएगा। तो पहले मैंने क्या कहा, ए जी ए ने कहा, आपने क्या कहा, का सर बा, फिर हम कहे हाँ बा, कोनी मंजन, मेरे पास एक मंजन है ले जाओ, कोनी मंजन, आपका दिमाग साफ दे रहा है, वैलेंसी याद हो जाएगा, कोनी मंजन, को नी मन जन, यह मंजन मेरा है, कोनी मंजन, को नी मन जन, कोनी मंजन, चार एक बार याद होगी नहीं हुआ, कोनी मंजन, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई टू, कोनी मंजन। अब बताओ एक और बात आपसे पूछते हैं, इस सब कॉमन सेंस की बात है,
हम लोग के लोकेलिटी में जैसे होता है। जैसे आपके घर में बहुत छोटे छोटे भाई होंगे, आपको बहन होगी छोटी, अगर उसको पकड़ करके उसको मंजने से अगर मुंह धुलवाइएगा तो उसको लगे आपके जैसा दुश्मन कोई नहीं है, गालियों दे सकती है, मारबो कर सकती है, नहीं कि ये आप काम खराब कर, अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं काम की अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं अच्छा काम कर रहे थे, मुंह साफ दांत साफ करवा रहे थे, उसको तो खराब लगेगा। वही हाल स्टूडेंट सबका है। हम लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई उपाय करके किसी तरह से तैयार करा दें कि ये सब याद हो जाए, और सब याद करेंगे यदि कहेगा नहीं याद नहीं करेंगे जबरदस्ती, हम रास्ता बताएंगे चलना तो आपको है, तो बढ़िया काम कर रहे हैं गाँव में, अगर आप बढ़िया काम हो रहा है, अब वही स्टूडेंट को जिससे बोल रहे थे उसको छोटे भाई को मंजन से मुंह धुलवा रहे हैं, आपको गाली देने लगे तो बड़ा आदमी क्या कहेगा, चाहे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, जब चिल्ला चिल्ला के रोता है तो गांव में कहता है कि फेकर फेकर है ना, तो फेकर जब फेकर करने का फेकर ना जोर जोर से चिल्ला के रोना, फेकर मारो उसको दो हाथ जाकर के रो रहा है तो फेकर, तो उसी पर हम बना दिए कि अब हम बता रहे हैं याद करो कौन हम दिए कोनी मंजन देख करके लड़का सब फेकर ना, हमको नहीं चाहिए हम नहीं याद करेंगे, अरे याद करो तो फायदा होगा, हम बता रहे हैं कोनी मंजन तो कोनी मंजन देखते क्या होगा, फेकरल देखो फेकरल 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 याद हो जाएगा, हे कर अल फेकरल, तो फेकरल का थ्री नहीं हो गया, बोलो कहानी से रहेगी नहीं हो जा, हाँ ये दिमाग में रखना है, उंगली पर हाथ रखना, देखो एक लाइन ऊपर वाले एक लाइन, फिर दो लाइन और फिर दो लाइन, ये याद रखना है, एक लाइन का वैलेंसी वन फर्स्ट लाइन का, दो ठो लाइन का वैलेंसी टू, और नीचे फिर दो लाइन की वैलेंसी कितना है तीन, ये याद रखना है थ्री इसकी वैलेंसी, क्या एजीएन कह वन का सर्वा दो कोनी मंजन दो फेकरल तीन, यही ना बताया तभी, तो इतना वैलेंसी इसका थ्री तक हो गया। और इसका हम उच्चारण नहीं लिखेंगे, इसका उच्चारण आप दो तरह से इसका उच्चारण करेंगे हम, जैसे आप इतना होमवर्क दे दिए आप याद करके आए, कल क्लास में पूछेंगे बताओ वैलेंसी सोडियम का, कोई बता दिया टू, कोई बता दिया वन, जो सही बहुत सारे अगर सही बता देते हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको, धन्यवाद देंगे, हम कहते हैं शाबाश धन्यवाद याद कर लिया, बैठो बैठो याद कर लिया, तो धन्यवाद देते हैं अंत में खुश होकर के, शाबाश देखो क्या लिखे हैं शाबाश धन्यवाद देंगे। अगर नहीं याद करेगा तो इसको अलग अलग पढ़ें, देखो अर्थ बदल जाएगा, अगर नहीं याद होगा इतना मेहनत किए तो अभी आप लोगों को नहीं याद होगा तो हम अलग पढ़ेंगे, कहेंगे सब आस सब गधा किसी को नहीं याद होगा, देखो सब आस अब आप पर डिपेंड करता है कि या सब आस का हलवाइएगा या कि सब आस का हलवाइएगा, है ना, इसलिए अगर सब आस कहलाना है तो पूरा याद कर लीजिए ये वैलेंसी, इसलिए इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, सब आस अपने आप समझिए याद कर लीजिए शाबाश। तो एजीए ने कहा का सर्वा कोनी मंजन फेकरव शाबाश। और जैसे कहीं रिएक्शन में फॉर्मूला में आए कोई पूछे चाहेगा आपसे कोई पूछ ही दे कि मैग्नीशियम मैग्नीज का वैलेंसी बताओ, मैग्नीशियम छोड़ो पहले क्या बताओ मैग्नीज की वैलेंसी बताओ, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैग्नीज का सिंबल क्या होता है, तो मैग्नीज का सिंबल दिमाग MN सर बताए थे मैग्नीज MN, तो आपको अब खोजना है कि वैलेंसी कितना है, तो बस मन में बोलिएगा मन में बताइए देखो याद हो जाएगा AgNa का ना, उसमें तो मैग्नीज नहीं है AgNa का, उसके बाद में AgNa का कोनी मंजन का सर्वा उसमें भी नहीं है कोनी मन, हाँ कोनी मन मन MN आते हैं समझो मैग्नीज, तो किस लाइन में है तो वन टू थ्री, तो थ्री लाइन में तो वैलेंसी टू ना बताए थे ना, तो वही दिमाग रखना है फर्स्ट लाइन का वन दो लाइन का दो दो लाइन का तीन, यही याद रखना है, तो 16 पॉजिटिव आयन की वैलेंसी याद हो जाएगा। और एक वो इतना बताने के बाद एक चीज लास्ट में बताते हैं कि एम मैग्नीज या मैग्नीशियम दो ठो मेटल होता है मैग्नीज या एक होता है मैग्नीशियम, मैग्नीज का सिंबल होता है MN और मैग्नीशियम का क्या होता है MG, तो मैग्नीज का MN और मैग्नीशियम का MG, तो MN पर प्लस टू और इसी से रिलेटेड है MG, तो MG पर भी प्लस टू भी होता है, अंत में दिमाग में बैठा देते हैं कि उसका दिमाग वैसे याद रख ले रखो अपने MG पर भी प्लस टू ही होता है, जितना MN होता है उतना ही MG, एक मैग्नीशियम याद हो जाएगा मैग्नीज तो मैग्नीशियम ही समझ लो, MN का प्लस टू तो MG का भी क्या होता है प्लस टू, क्योंकि ट्रिक में नहीं बैठ रहा था इसलिए इसको अलग बार में समझा देते हैं, मैग्नीज का प्लस टू तो मैग्नीशियम का भी प्लस टू होता है,
ना, कुछ और भी पॉजिटिव आयन है, तो इस पॉजिटिव आयन को जो बाकी है उसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, और उसके बाद तो निगेटिव एक ना हुआ, जब तक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नहीं याद होगा तब तक फॉर्मूला नहीं लिखने आएगा। तो अभी पॉजिटिव हुआ, उसके बाद क्या बता देंगे आपको निगेटिव, तब कैसे फॉर्मूला लिखिएगा, तो फॉर्मूला लिखने आ जाएगा तब रिएक्शन पर पहुंचेंगे, तब अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे, तो हमको स्पष्ट इतना हो जाएगा। नहीं तो ये पॉजिटिव आयन याद कर लो, रेस्ट वाला फिर कल बता देंगे, और उसके बाद तब निगेटिव आयन, दोनों आयन कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे मिलाते हैं, तो वैलेंसी का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम बताएंगे। ओके थैंक्स। यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कॉन्टेक्ट मी एट 9931978808